नमस्कार लिब्रा, लिब्रा यानी तुला राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस एन डी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आपका रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और ये अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें लिब्रा हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि आप उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में देखते हैं कि इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी लिब्रा पर्सन के लिए। तो लिब्रा आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। 7 of Cups, King of Cups एंड द लवर्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए जो भी, हालांकि उनके पास लाइफ में और भी ऑप्शन है, और भी रिश्ते हो सकता है उनके पास आ रहे हैं, लेकिन वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके 2 कदम पीछे हटते हुए इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि क्योंकि वो इस भ्रम जाल में, इस माया जाल में नहीं फंसना चाहते। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते में एक डिसीजन लिया जाता है तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ये खुशियों में तब्दील हो सकता है। क्योंकि ये जो ये किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो बता रहा है कि दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार प्रेम है, इमोशंस है, दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, यानी कि इमोशंस है दोनों के, भले ही वो जाहिर नहीं कर रहे हैं, भले ही एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और इस रिश्ते में जो प्यार है, जो प्रेम है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी छोटी मोटी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, जो इस रिश्ते में बाधाएं परेशानियां दे रही हैं, तो अगर समय रहते बिना इधर उधर भटके, बिना समय वेस्ट किए एक डिसीजन लिया जाता है, एक आमने सामने खुल कर बातें कर ली जाती हैं, तो ये रिश्ता जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से काफ़ी अच्छा जा सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो वो इस रिश्ते को फिर से प्यार में तब्दील करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को कामयाब करने के बारे में सोच रहे हैं। इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से, इस माया जाल, इस भ्रम जाल से वो बाहर निकलना चाहते हैं। देख लेते हैं लिब्रा के आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी उनको लेकर फीलिंग्स क्या हैं। द टावर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, सडनली अनएक्सपेक्टेडली अचानक से आपके मन में आया, आप जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, अगर आप उसको थोड़ा सा समय देंगे, वक्त देंगे, पेशेंस के साथ, पेशेंसली अगर उसको हैंडल करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं इस रिश्ते में रही हैं, जो ये रिश्ता ख़राब हुआ है, कुछ भी नहीं बचा है, महसूस कर रहे हैं कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, पहले वाली कोई भी बात नहीं रही है, लेकिन आप अनएक्सपेक्टेडली सडनली इन चीज़ों को थोड़ा सा समय देना चाह रहे हैं, वक्त देना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि अगर समय देंगे, वक्त देंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होंगी, और इस रिश्ते में फिर से जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी, जो दुख दुविधाएं हैं, वो छट जाएंगे। क्योंकि कई बार समय के फेर के कारण वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, कुछ वक्त ऐसा होता है जो समय, जो परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं रहती, वो प्रतिकूल हो जाती हैं, यानी कि अपने ऑपोजिट हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को समझते हुए, सोचते हुए आप अचानक से फिर से इस रिश्ते को एक मौका, एक समय और देना चाह रहे हैं, और आप महसूस कर रहे हैं कि अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते में एक छोटी सी भी बिगनिंग अगर कर दी जाती है, शुरुआत कर दी जाती है, तो धीरे धीरे करके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके ये जो
छोटी सी शुरुआत है, एक बिगनिंग है, ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो सकता है, फिर से सारी चीज़ें पहले की तरह हो सकती हैं। तो आप अचानक से इस रिश्ते में फिर से वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, वापस आना चाहते हैं और इस समय को थोड़ा सा वक्त समय देना चाह रहे हैं, इसमें एक बिगनिंग एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में जो लिब्रा के पर्सन हैं वो लिब्रा को क्या, लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेंगे, लिब्रा के पर्सन अगले 72 आवर्स में लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वांड्स, फोर ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो लिब्रा अगले 72 आवर्स में जो आपके पर्सन हैं वो यही एक्शन लेने वाले हैं, वो यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में जो भी परेशानियां रही हैं, एडिक्शन रही है, प्रॉब्लम रही है, भले ही उनके पास और ऑप्शन भी है लेकिन वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हैं, परेशानी में हैं, वो उसी पर्सन का बार बार वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसलिए वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, वो यही एक्शन लेने वाले हैं कि इस रिश्ते में जस्टिस मिले, न्याय मिले और जो भी कर्म जिसने किए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिले और एक दूसरे से वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए और अपने कर्माज सुधारें, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और उन्हें जस्टिस न्याय मिलेगा, वो न्यायप्रिय इस रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं, भले ही इस रिश्ते में पहले प्रॉब्लम रही है, एक दूसरे को पहले से जानते हैं लेकिन वो ये जो ये यंग एनर्जी है या एक न्यू एनर्जी कह सकते हैं, अगर एक ये जो इमैच्योर एनर्जी है एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, फिर से मतलब एक इस रिश्ते को एक नए सिरे से एक बिगनिंग एक शुरुआत वो करने वाले हैं। उनको लगता है कि अगर एक बिगनिंग एक शुरुआत कर ली जाती है फ्रेंडशिप लेवल से, दोस्ती के लेवल से, उन पुरानी चीज़ों को बुलाते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही थी, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत हो जाती है तो ये रिश्ता फिर से इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं और न्यायप्रिय ये रिश्ता बन सकता है। तो वो उन चीज़ों को छोड़ते हुए कि भले ही वो इस रिश्ते में एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लंबे समय से जानते हैं, लेकिन इस एक दोस्ती के लेवल से शुरू इस रिश्ते में इस रिश्ते को करने वाले हैं, एक बिगनिंग एक शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते से दूर नहीं हट सकते, वो इसके लिए कन्फ्यूज हैं, परेशान हैं और ऑप्शन होते हुए भी वो इस ऑप्शन को नहीं देखना चाहते, उन्हें अपनी लाइफ में वही पर्सन चाहिए जो उनकी लाइफ से जा चुका है, तो इसलिए वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करने वाले हैं, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से वो आपके साथ एक दोस्ती कायम करना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को फिर से शुरू कर रहे हैं या करने वाले हैं। देख लेते हैं कि इसके लिए गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप इसमें अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, फैमिली परिवार के साथ मिलजुल कर एक परिवार एक फैमिली की तरह अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो, और अपनी जबान पर जो कि आप कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, तो बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ कीजिए और कड़वा मत बोलिए, प्यार से प्रेम से पेश आइए और अपनी एनर्जी एफर्ट लगाइए, एक टीम एनर्जी लगाइए, मतलब परिवार फैमिली के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़िए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता आपके लिए गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, और आगे जाकर इस ये रिश्ता फिर से सहनाई बढ़ सकती है, स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है, क्योंकि ये रिश्ता आगे जाकर विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता आगे जाकर का विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, जहाँ भी ये लोग रहेंगे
समाज में मान सम्मान इज्जत के साथ रहेंगे और लोग इनको फॉलो करेंगे और इसका अनुसरण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट्स मुझे काफ़ी खुशी देता है, प्रोत्साहन देता है और वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प मुझे मिलती है। तो प्लीज़ 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 एक अच्छा कमेंट्स बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो शायद आपने कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आज से ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।